हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने विकास आबादी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं मुरादाबाद के पीतल नगरी में रहता हूं और अभी पीतल नगरी की रोड की जो हालत है ना भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको वही दिखाने वाला हूं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आगे, ताकि यार हमारी पीतल नगरी की रोड जो है थोड़ी अच्छी हो जाए। और आपको तो पता ही है ना, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और मुरादाबाद को मुरादाबाद में ही नहीं भाई, पूरे विश्व में मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुरादाबाद का पीतल विश्व विख्यात है। मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है मुरादाबाद का पीतल जो है। तो इसलिए मैं दिखाने वाला हूँ आपको मुरादाबाद का पीतल नगरी कैसा है। तो दोस्तों, हमने गेट से एंट्री मार दी है। जैसे ही हम पीतल नगरी गेट से अंदर को चलते हैं, तो मार्केट तो बहुत प्यारी है स्टार्टिंग में। आपको पता ही होगा भाई, रोड पर मार्केट अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा रोड से आगे, कात्यायनी मंदिर से थोड़ा आगे जब हम चलते हैं, तो भाई रोड की जो हालत है ना, वो लिटरली इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि बस निकलते हुए ना डर लगता है। और मिनी मेट्रो यहाँ पे बहुत सारे चलते हैं, तो मिनी मेट्रो की हालत ऐसी हो जाती है कि वो पलटने की तैयारी में होते हैं। मतलब और आए दिन कोई ना कोई मिनी मेट्रो पलटता है। वो रोड में आगे चल के आपको दिखाऊँगा। मेरे जस्ट सामने है कात्यायनी मंदिर, इधर इस साइड में है कात्यायनी मंदिर, आप देख सकते हो। और ये अभी बंद है, रात का टाइम है, तो इसलिए मैंने सोचा वैसे ही दिखा दूँ बाहर से। और पीतल नगरी की रोड जो है वो काफ़ी चौड़ी हो गई है, यहाँ पे एक ऑफिस बना है इसकी वजह से। और कमेंट करके बताओ, आपको पता है तो ये किस चीज़ का ऑफिस है। ये देखो, बस यहीं से आगे चलेंगे हम, तो यहाँ से मार्केट है, ये पीतल नगरी की मार्केट है, जो सब्जी मार्केट आप कह सकते हो। और सब्जी मार्केट से निकलते ही यहाँ पे आपको गड्ढे और रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब मिलेगी। आप देखो वीडियो हिल, देखो भाई स्टार्ट हो गए हैं ये गड्ढे हमारे। शायद रात में आपको नहीं दिखा, लेकिन मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस टाइप के गड्ढे हैं, और आपको लेके चलता हूँ। लाइट भी जो है जा चुकी है भाई, कुछ दिन से लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये देखो, ये वाला जो गड्ढा है ना, ये देखो, ये पूरी टूटी पड़ी है रोड, ये वाली रोड देखो है ना। और रात में बना रहा हूँ मैं भी यार, ये देखो ये पूरा रास्ता एकदम, गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो है और रास्ते की हालत है ना, यहाँ से बिल्कुल सही है। और ये देखो, ये पूरा टूटा पड़ा रास्ता है। रात में तो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन आप कभी इधर विजिट करोगे ना एक बार, तब आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि यहाँ की हालत कैसी हो रखी है। अभी लाइट चली गई है, नहीं तो ये देखो, ये भाई ये बहुत खतरनाक रास्ता हो रखा है। बाइक की लाइट से थोड़ा सा आपको देख सकते हो। ये देखो, ये मिनी मेट्रो मैं बता रहा था, ये बिल्कुल पलटने की कगार पर रहता है। ये देखो, ये रास्ता पूरा एकदम टूटा पड़ा है। ये देखो भाई, तो ये हाल है पीतल नगरी का। अब आप आगे देखोगे, ये देखो है ना, ऐसा कुछ हाल हो रखा है पीतल नगरी की रोड का। और मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, लाइट नहीं आ रही है। और दूसरी बात, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर से रोज़ गुजरता हूँ, रात में, दिन में, सुबह में, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे को ही नहीं, सभी को दिक्कत होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और जहाँ तक भी ये जाए, मुरादाबाद के जिस भी अधिकारी तक या जिस भी नेता तक जाए, है ना, सभासद वगैरह है, सभासद तो चलो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ नगर निगम का काफ़ी योगदान रहता है, काफ़ी नहीं पूरा योगदान रहता है भाई। तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की आप कोशिश करें, और पीतल नगरी को एक अच्छा पीतल नगरी या एक बढ़िया बेहतरीन स्मार्ट पीतल नगरी बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो पीतल नगरी की। भाई अंधेरा था तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाया, लेकिन आप एक बार पीतल नगरी में ज़रूर विजिट करो और आपको पता लग ही जाएगा कि पीतल नगरी का हाल कैसा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्यार बनाए रखें, लव यू ऑल।